छोटे बच्चों को लेकर काफी चिंता है माँ बाप में, क्योंकि आपने देखा स्कूल में नोएडा के ही एक इस बात को लेकर जांच करनी पड़ी कि क्या बच्चे जिस पार्टी में गए थे उनको भी तो कहीं कोरोना वायरस ने पकड़ नहीं लिया है। वो केस हालांकि नेगेटिव निकला, उसके बाद सबने राहत की सांस ली है, लेकिन साथ ही साथ एडवाइजरी ये भी है कि भीड़ वाली जगहों पर ना जाएं। तो माँ बाप पूछ रहे हैं, भीड़ तो स्कूल में भी होती है, बच्चे जिस बस में बैठ के जाते हैं उसमें भी खेलते कूदते उछलते हुए जाते हैं, सब एक दूसरे से टकराते हैं, टच करते हैं, तो क्या स्कूल ना भेजे बच्चों को? रोहित, इसमें एक चीज़ हमें समझनी होगी कि इस समय हम किस स्टेज ऑफ एपिडेमिक से गुजर रहे हैं। एक स्टेज होती है जो इनिशियल स्टेज है, जहाँ पे अभी एक केस हमारा दिल्ली में आइसोलेट हुआ है, उसकी सारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग गवर्नमेंट ने कर दी है, एंड दे हैव टेकन इन कस्टडी ऑल दोज जो इन्फेक्ट हुए थे या जो सस्पेक्टेड हैं, वो सब क्वारंटाइन में ऑलरेडी हैं। तो क्या जनरल पब्लिक अभी कोरोना वायरस के स्केयर से गुजर रही है? तो आज का आंसर नहीं है। हाँ, हो सकता है कि कल को ये फैले और प्रॉब्ली हमें मेजर्स को बढ़ाना पड़े, बट आज की डेट में ये कहना कि हर एक कोई ससेप्टेबल है और उसके लिए स्कूल बंद कर दें या इधर ना जाएं उधर ना जाएं, वो गलत है, वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट करना है। अगर कल को सिचुएशन चेंज होती है, कल को वायरस फैलता है, तो प्रॉबेबली वो स्ट्रिक्ट मेजर्स हमें लेने पड़ेंगे, बट आज की डेट में नहीं, आज हमें पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो एडवाइजरी जारी करी है उसमें इसने कि पब्लिक प्लेसेस में नहीं जाना चाहिए, क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाए, बिकॉज वहां पे बहुत सारे अननोन लोग मिलते हैं। स्कूल्स में अननोन लोग नहीं है, जो पेरेंट्स उन्हें पता है कि बच्चा ट्रेवल करके आया बाहर वो बता सकते हैं, या बच्चों को पता है, टीचर्स को पता है कि किसी को कफ कोल्ड या कॉमन कोल्ड हो रहा है, तो उसको वो खुद ही एडवाइस कर देते हैं कि बच्चों को अब घर नहीं भेजना या क्वारंटाइन घर पे करना है। तो इसलिए स्कूल भेजना, इवन गाइडलाइंस आ चुकी हैं सीएमओ की, नोएडा सीएमओ की भी आ चुकी हैं कि कोई स्कूल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने या नोएडा सीएम ने बंद नहीं किया है तो स्कूल भेजने में कोई दिक्कत नहीं। इवन स्कूल में मास्क पहनाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि मास्क गायब हो गए मार्केट से, तो मास्क पहनने की जरूरत नहीं। मास्क उन बच्चों को पहनना है, उन टीचर्स को पहनना है, या उन बंदों को लोगों को पहनना है जिनको कॉमन कोल्ड कफ वायरल के सिम्टम्स आ रहे हैं, सो देट वो किसी को और को ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू इन्फेक्ट ना करें। ठीक। और मास्क को भी हर 12 घंटे में चेंज करना होता है, या डॉक्टर्स जो हाई रिस्क हैं जिनको बहुत सारे पेशेंट के कांटेक्ट में आना पड़ रहा है तो उनको मास्क पहनना चाहिए, अदरवाइज मास्क शॉर्टेज हो जाएंगे, बाद में मिलेंगे भी नहीं आपको, जिनको जरूरत होगी उनको भी नहीं मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, 31 मार्च तक 5वीं तक के जितने भी स्कूल हैं उन सबको बंद रखा जाए। तो अब इसको फिर कैसे देखें? अगर दिल्ली की सरकार ये कह रही है कि साहब स्कूल बंद रख लो बेहतर है, तो नोएडा में माँ बाप, गाजियाबाद में माँ बाप तो परेशान होंगे, फरीदाबाद गुड़गांव वाले भी सोचेंगे इसमें कि हमारे बच्चों ने क्या अपराध किया। इसमें डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन है, डॉक्टर साहब कुछ बोल रहे हैं फिर आपके पास। बहुत गलत स्टेप है ये, मास हिस्टीरिया की स्थिति क्रिएट होती जा रही है और पैनिक बढ़ रहा है। देखिए, जो नॉन कम्युनिटी है, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, हमें स्कूल में मालूम है, मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ, कि मेरे साथ ये 40 बच्चे हैं। करना क्या चाहिए उनमें कि उन जो बच्चे को जुकाम खांसी हो तो ये उसकी पेरेंट की ड्यूटी है कि उसको स्कूल ना भेजे, उसको पहले डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर से क्लियरेंस ले तब भेजे, और स्कूल में बकायदा सर्टिफिकेट दे जिससे बच्चों में पैनिक ना हो। अननोन कम्युनिटी में जब आप मूव करते हैं, कि जैसे आप जो है मॉल में जा रहे हैं या मेट्रो में जा रहे हैं या किसी मेले में या रैली में, वहां पे इन्फेक्शन के चांस ज्यादा होंगे। ये स्कूल बंद करना तो बिल्कुल बेकार है, और बेकार में बर्डन बढ़ाएगा पेरेंट्स पे, जो वर्किंग पेरेंट्स हैं उसके बच्चे अगर घर बैठे हैं तो उसका वो कहाँ से जा पाएगा ऑफिस। तो इसका इस तरह, तो एक तो आपने वॉलेंट्रीली बंद कर दिया स्कूल और ऑफिस इनवॉलेंट्रीली कर दिया। ठीक बात। तो आपको इकोनॉमी को भी मार रहे हैं और बच्चे को डिस्टर्ब। डॉक्टर गोस्वामी को ऐड कर रहे हैं, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं सर। मास्क का जो सवाल उन्होंने उठाया उसको लेकर बोलिए। देयर इज समथिंग नोन एज रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। अगर आपके पास कोई पैनिक सिचुएशन है, आपको उसको रिस्पॉन्सिबली फेस करना है। अब इस केस में रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर क्या है कि अगर आप बीमार हैं तो आप बाहर ना निकलें। ठीक। जो मतलब क्लोज स्पेस है, जैसे पिक्चर हॉल्स हैं, अगर आप वो अवॉइड करते हैं समझ में आता है, बट स्कूल बंद करना इज नॉट रिक्वायर्ड। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द बेसिक हाइजीन डेट एवरी वन हैज टू ऑब्जर्व। लोगों को कफ हाइजीन की नॉलेज नहीं है, वो या तो सीधा खांस रहे हैं या खांसते हैं हाथ पे खांसते हैं और वो हाथ हर जगह टच करते हैं, तो ये बेसिक हाइजीन का ही नॉलेज लोगों में नहीं है। तो बेसिक हाइजीन क्या हो? अगर आपको खांसी करना है, अगर आप उसको अपने एल्बो पे कफ करते हैं, तो एटलीस्ट आपके जो जर्म्स है वो यहां डिपॉजिट हुए और बाद में आप इस कपड़े को चेंज कर लेंगे, वो जर्म्स आपका एनवायरमेंट में डिस्पर्स नहीं हुआ। लेकिन अगर सीधा खांस रहे हैं या आपने हाथ पे खांस के इधर उधर कर रहे हैं, तो आप बीमारी को फैला रहे हैं। तो बेसिक पर्सनल हाइजीन, देन हैंड वॉशिंग। अगर आप फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग कर रहे हैं तो जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है आपने उसको कट कर दिया। कोरोना वायरस के साथ अच्छी चीज ये है कि ये बहुत देर तक हवा में सस्पेंड नहीं रहता है, तो खाली हवा को ब्रीथ करने से आप बीमार नहीं होंगे। बीमार आप तभी होंगे जब आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आएंगे।